टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। बोर्ड में जो आया क्वेश्चन 2006 बोर्ड प्रॉब्लम था आपका, और टॉपिक इज वेक्टर। तो बोर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। अवर बोर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट इज 2006 में आया, फिर 2009 में आया। अवर ए वेक्टर इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। दिस वन इज अ 4 मार्क क्वेश्चन। 2008 में भी आया था ये, सीबीएसई 2008। ए वेक्टर है आई कैप, जे कैप, के कैप। बी वेक्टर है जे कैप माइनस के कैप, दिस इज गिवन। ठीक है, कह रहा फाइंड ए वेक्टर सी, मुझे सी वेक्टर निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द सी वेक्टर, और उसने आपको कंडीशन दे रखी है, व्हाट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर। ए क्रॉस सी दे रखा उसने आपको बी वेक्टर, एंड अनदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, ए डॉट सी, ए डॉट सी इक्वल टू 3। वेयर क्वेश्चन सीबीएसई 2008, कह रहे वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के कैप, दिस इज गिवन। b वेक्टर गिवन है j कैप माइनस k कैप, कह रहा फाइंड c वेक्टर, c वेक्टर निकालना है, एंड कंडीशन इज दैट कि a क्रॉस c इज इक्वल टू b वेक्टर एंड a डॉट c इज इक्वल टू 3 वेक्टर, a डॉट c इक्वल टू 3। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है कि a क्रॉस c इक्वल टू b, इस पॉइंट पे हम हाईलाइट करते हैं। तो a क्रॉस c वेक्टर, तो a क्रॉस c वेक्टर निकालने का ट्रिक पता रखा है मैंने। क्या लिखते हैं, i कैप, j कैप, पहले k कैप लिख देते हैं। जब कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, सबसे पहले आई कैप, जे कैप और के कैप ऐसे लिख लेते हैं। तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट, ए के क्या है, 1 1 1, तो इसके कोफिशिएंट हो गए आपके 1 1 एंड 1, ए वेक्टर के आ गए। उसने आपसे सी वेक्टर बोला है कि सी, फाइंड सी वेक्टर। तो मैंने क्या किया, लेट जो सी वेक्टर था उसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट अवर सी वेक्टर इज एक्स आई कैप, yz कैप एंड zk कैप। c वेक्टर को ले लिया xi plus yj कैप plus zk कैप, c वेक्टर एज्यूम किया, तो उसके कोफिशिएंट आ जाएंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा आपका z। तो a क्रॉस c को हम ऐसे कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस से इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो i कैप है, ब्रैकेट लगाया, तो 1 इंटू जेड जेड आ जाएगा, 1 इंटू वाई वाई आ जाएगा, फिर माइनस जे कैप आ जाएगा, फिर ब्रैकेट लगा लेंगे 1 इंटू जेड जेड माइनस एक्स आ जाएगा, फिर के कैप लगा लेंगे, ये वाला क्लोज हो जाएगा, तो 1 इंटू वाई, तो वाई माइनस एक्स ऐसे आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आ जाएगा। लेकिन गिवन क्या है, ये हमने ए क्रॉस सी वेक्टर निकाला, गिवन है मेरे पास ए क्रॉस सी इक्वल टू बी वेक्टर, ये गिवन है। तो और बी वेक्टर मेरे पास ये पता है, तो ए क्रॉस सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, आई कैप z माइनस वाई माइनस जे कैप z माइनस एक्स, k वेक्टर y माइनस एक्स इक्वल टू b वेक्टर। b वेक्टर क्या है, j कैप माइनस k कैप, तो ये आ गया आपके पास j कैप माइनस k कैप, क्लियर। इसको मैंने इसके इक्वेट कर लिया, तो कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ i का कितना है, z माइनस वाई, i नहीं तो जीरो हो गया, तो z माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ओ आर y इक्वल टू z फर्स्ट आ गया। यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट कितना, माइनस ऑफ जेड माइनस एक्स, और यहाँ कितना है, वन, तो जेड माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। के कैप का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, वाई माइनस एक्स, के कैप का वहां कितना है, माइनस वन, ये बन गई इक्वेशन। तो मेरे पास तीन इक्वेशन आ गए, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को मैंने सॉर्ट आउट किया, तो मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। z तो पहले ही आ जाएगा यहाँ से, y इक्वल टू z हो जाएगा, और इन दोनों से सिंप्लीफाई सिंप्लीफिकेशन मोड में जाए, क्योंकि उसने आगे एक और इक्वेशन दे रखी है, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि a डॉट c इक्वल टू 3। a है आपका i कैप, j कैप, k कैप, और c वेक्टर आपने ये अज्यूम किया है, तो इन दोनों का डॉट लें तो x इंटू 1, तो यानी ये x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो x plus y plus z equal to 3, तो first, second, third and fourth equation, ये आपको हेल्प करेगी।
तो जब इनको मैंने पुट किया तो मेरे पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3। तो y आ जाएगा जब 2/3, तो z भी आ जाएगा मेरा 2/3। y और z इक्वल है, इक्वल करेंगे तो x y आ गया, z आ गया, इसको जाके यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5/3। तो मेरे पास x y z तीनों आ गए, 2/3, 2/3 एंड 5/3। तो अभी x y z की वैल्यू को मैं सीधे यहाँ पर पुट कर लूंगा, ये जो आपने ज्यूम किया था c वेक्टर, तो आपका आसानी से c वेक्टर आ जाएगा। फिर से मेरा क्वेश्चन था, a वेक्टर गिवेन है, b वेक्टर गिवेन है, कह रहा c वेक्टर निकालो। कंडीशन गिवेन है कि a क्रॉस c इक्वल टू b वेक्टर एंड a डॉट c इक्वल टू 3। तो मैंने फट किया, लेट किया, लेट जो c वेक्टर है दैट इज xi + yj + zk, ये मैंने लेट कर लिया, xi + yj + zk। पहले मैं a क्रॉस c क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, ये वैल्यू आई, और a क्रॉस c b के इक्वल है, a क्रॉस c को b के इक्वल किया, कोफिशिएंट इक्वेट किए, तीन इक्वेशन बन गई। a डॉट c 3 दिया था, वो बन गई फोर्थ इक्वेशन। सॉल्व किया तो मेरे पास x y z की वैल्यू आ गई। अब इन x y z की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इस वाले c वाले में, इस पॉइंट पे पुट कर देंगे तो आपके पास c वेक्टर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। CBSE 2006, 2008, 2009 ये क्वेश्चन तीन बार आया है। मैंने कहा था ना आज मैं CBSE के मोस्टली सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आज और कल दो दिन में। ये क्वेश्चन था, सी वेक्टर आपने इजीली इसको कैलकुलेट कर लिया, क्रॉस भी था और डॉट भी था, तो दोनों को आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक, फिर एक और करते हैं क्वेश्चन, CBSE 2007, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, और फिर दिया उसने मॉड ए इक्वल टू 3, मॉड बी इक्वल टू 5, मॉड सी इक्वल टू 7। मॉड ए मॉड बी मॉड सी दे रखा उसने। कह रहा शो दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी 60 डिग्री। कह रहा ए और बी के बीच का, ए एंड बी के बीच का जो एंगल है प्रूफ करना है आपको 60 डिग्री। तो ए और बी कह रहा, तो ए और बी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ना हिंट मिलती है क्वेश्चन जो गिवन होता है आपको, उसने बोला ए और बी, तो ए और बी को रखते हैं, सी को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ सी वेक्टर। एंगल चाहिए तो क्या करें, पहले इसका मॉड ले लें, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर सकते, मैंने बताया था वेक्टर को पहले आप बनाओ स्केलर, अब स्केलर में आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मॉड को कैसे ओपन करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के, इसको ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी, माइनस का स्क्वायर करेंगे मॉड, इसका क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करें, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर, ए को बी से तो ए डॉट बी, बी को ए से तो बी डॉट ए, बी को बी से तो बी डॉट बी, यानी मॉड बी का स्क्वायर, और ये आपका मॉड सी का स्क्वायर आ गया। मॉड ए कितना है, मॉड ए आपका 3, तो 3 का हो गया 9। ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। मॉड बी कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, मॉड सी कितना है 7, 7 का हो जाएगा 49। तो 25 प्लस 9 34, शिफ्ट किया तो कितना हो गया 15, तो 2 ए डॉट बी 25 9 34 शिफ्ट किया 15 आ गया, और ये अब ए डॉट बी फिर लग गया, ए और बी का एंगल बोला था उसने, तो मॉड ए मॉड बी, ए और बी का एंगल कॉस थीटा इक्वल टू 15। मॉड ए कितना दे रखा उसने आपको 3, मॉड बी कितना है 5, कॉस थीटा इक्वल टू 15, तो कॉस थीटा कितना आ गया 15 अपॉन 15 30, 1/2 कॉस थीटा 1/2 है, तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री और 5/3, तो थीटा की आपकी वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी या 5/3 आ जाएगा। सो आवर क्वेश्चन वाज सिंपल, बोला था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मॉड ए मॉड बी और मॉड सी उसने आपको वैल्यू दे दी थी, फिर कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी।
ए प्लस बी प्लस सी को मैंने जीरो किया, सी को शिफ्ट किया, क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि मुझे ए और बी का रिलेशन चाहिए था, वाई, बिकॉज दे आस्क एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो सी को शिफ्ट किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, मॉड वाली प्रॉपर्टी यूज करा, और जहां जहां मेरा ए डॉट बी आया तो ए डॉट बी को मैंने मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख लिया, इससे क्या हो गया, इससे मेरा एंगल कैलकुलेट हो गया ए और बी के बीच का एंगल जो उसने मुझसे पूछा था, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, ये अब आप आसानी से ये चीज आपने कंपेयर की, किसकी कंपेयरिंग की, कि ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है ना। तो यहां आपको डॉट का मैंने यूज करा लिया, ठीक। कभी कभी आपको जैसे डायगोनल, हाँ अभी तक मैंने आपको क्रॉस में बताया था कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, तो आपने बताया था ए क्रॉस बी का मतलब होता है वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर मैंने बोला मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, तो आपने बोला दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसका अगर हाफ कर दे, यानी हाफ ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय एबीसी, ठीक है। तो कह रहा है अब अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में अगर मैं आपको साइड ना देके डायगोनल दे देता हूं इन पैरेललोग्राम, मैं डायगोनल्स दे देता हूं, यानी एसी डायगोनल और बीडी डायगोनल, ध्यान देखना साइड नहीं दी है मैंने आपको, डायगोनल दिया है, एसी डायगोनल दे दिया मैंने, थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3i कैप प्लस j कैप माइनस, दिस इज योर माइनस, माइनस 2k कैप, और bd डायगोनल दे दिया मैंने, ac दिया 3i कैप j कैप माइनस 2k, bd दे दिया i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये मैंने दोनों डायगोनल दे दिए, ठीक है। तो अब आपको मुझे इसका निकालना है, तो याद ट्रिक यूज करें, एरिया ऑफ लिख लें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर डायगोनल आते हैं तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, एरिया ऑफ विद डायगोनल डी वन डी टू, तो क्या लिखेंगे, हाफ, ध्यान से, डी वन क्रॉस डी टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल डी वन डी टू क्या होंगे, हाफ डी वन क्रॉस डी टू, तो हाफ डी वन क्रॉस डी टू क्रॉस निकालना है, तो आई कैप जे कैप के कैप लिख दें, और इनके कोफिशियंट, कोफिशियंट क्या है, थ्री वन माइनस टू, वन माइनस थ्री एंड फोर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इसकी ट्रिक बता रखी मैंने, प्लस माइनस प्लस से, प्लस माइनस प्लस से इसको एक्सपेंड कर लें, तो ये आई कैप आया, ब्रैकेट लगाया, तो वन इंटू फोर फोर, माइनस टू थ्री जा सिक्स, फिर माइनस जे कैप, थ्री फोर जा ट्वेल्व, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के कैप, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस नाइन, माइनस वन, फोर से सिक्स किया माइनस टू, तो क्या लिखते हैं इसको, इसको लिख देते हैं माइनस टू आई कैप, ट्वेल्व टू हो गया फोर्टीन, बार माइनस है तो माइनस फोर्टीन जे कैप, माइनस एंड माइनस नाइन, माइनस टेन के कैप, ये आ गया आपके पास दिस वन, तो मैं टू कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लेता हूं। अब इसका क्या करूं, इसका ये आपके निकाला एरिया ऑफ दिस वन, अब मुझे इसका लेना है मॉड, इसका मॉड लेना आपको आता है, रूट लगा के माइनस टू का स्क्वायर, फोर्टीन का स्क्वायर, टेन का स्क्वायर, ठीक, 196 प्लस 10 का 100, 296 प्लस 4 300, स्क्वायर रूट ऑफ 300 आया ऐसे, तो इसको क्या लिख लेंगे, 10 रूट 3, तो हाफ इसको लिख लेंगे 10 रूट 3, तो फाइनल आंसर 5 रूट 3, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, दैट इज योर स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह करके हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल्स के साथ भी जा सकते हैं, नो इशू, ठीक है ना। कभी कभी प्रोजेक्शन में भी बताया था मैंने, उसका भी क्वेश्चन करा रखे हैं ए और बी वाले, ठीक है ना, कोलिनियर के भी करा रखे हैं, ए और बी दोनों का रिलेशन शो कर देते हैं, मॉड वाले क्वेश्चन भी इसमें मैंने डिस्कस किए हैं, सेम डायरेक्शन के साथ भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब कंसेप्चुअल करते हैं वेक्टर में, कंसेप्चुअल मतलब प्रॉपर्टी क्या है, ठीक।
प्रॉपर्टी के अलावा जब मैं बात करूंगा तो आपको ध्यान से देखनी होगी सारी प्रॉपर्टी हम कैसे यूज कर रहे हैं। सपोज उसने दे रखा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी वेक्टर, ध्यान से देखना इसको, कह रहा है ए क्रॉस बी वेक्टर है वो सी क्रॉस डी के इक्वल है और ए क्रॉस सी, कह रहा है ए क्रॉस सी वो बी क्रॉस डी के इक्वल है। ये सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन, कह रहा है ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी के इक्वल, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी के इक्वल। अब आपका कह रहा है शो दैट, यानी प्रूफ करना है, शो दैट ए माइनस डी वेक्टर, ए माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी माइनस सी, इज पैरेलल टू बी माइनस सी। ठीक, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब कभी पैरेलल वेक्टर प्रूफ करना हो क्रॉस के अकॉर्डिंग तो आप जीरो प्रूफ कर दो, यानी दो वेक्टर पैरेलल प्रूफ करने हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो आप क्या करो, दोनों का क्रॉस जीरो कर दो, यानी ए और बी अगर दो क्रॉस वेक्टर हैं तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, जीरो अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट। तो मुझे प्रूफ क्या करना, मुझे प्रूफ करना ए माइनस डी बी माइनस सी के पैरेलल है, तो मैं प्रूफ कर दूं अगर ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी, ये हमें प्रूफ करना, और आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए जीरो। अगर मैं प्रूफ कर दूं ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी, योर आंसर विल बी क्या होगा, जीरो, ये लाना है मुझे। तो अब मैं इस पे अटैक करता हूं ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी की वैल्यू निकाल लेता हूं और आंसर जीरो शो कर दूंगा। तो इसको कैसे करें, तो ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए क्रॉस बी माइनस सी, ए का बी माइनस सी के साथ क्रॉस, क्लियर, लिख लिया, फिर माइनस डी लिखा है, माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी, ऐसे करते हैं ए क्रॉस बी माइनस सी माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है ना, माइनस फिर ए क्रॉस सी, ये तरीका हुआ ना, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अब देखे ध्यान से, माइनस डी कैसे, तो माइनस डी क्रॉस बी, माइनस डी क्रॉस बी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लिख देंगे डी क्रॉस सी, माइनस डी क्रॉस बी माइनस माइनस हो गया प्लस, तो डी क्रॉस सी लिख दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं, क्लियर, अच्छे से ए क्रॉस बी लिखा था, लिखा रहने दिया, आगे क्या लिखा है ए क्रॉस सी, लिखा रहने दिया, इस स्टेप में आया माइनस डी क्रॉस बी, मैं माइनस डी क्रॉस बी को प्लस बी क्रॉस सी लिख सकता हूं, मैंने बताया था ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस सी, बट ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, है ना, उसको यूज कर लिया, और डी क्रॉस सी लिखा, जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है डी क्रॉस सी, तो उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस सी क्रॉस डी। ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि ए क्रॉस बी गिवन है सी क्रॉस डी के, तो ये ए क्रॉस बी और ये सी क्रॉस डी कैंसिल हो जाएंगे कंपेयर होके, क्योंकि दोनों इक्वल है, और ए क्रॉस सी किसके इक्वल है, बी क्रॉस इसके। अगर ले मैं पेयरिंग करूं ध्यान से ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी में, देखो ध्यान से, तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी ये दोनों की पेयरिंग हो गई, फिर दूसरी क्या आएगी, दूसरी आएगी बी, ये सॉरी ये डी है, ये बी क्रॉस डी है, माइनस डी क्रॉस बी को बी क्रॉस डी लिखा और ए क्रॉस सी के इक्वल है, ये भी पेयरिंग कंपेयरिंग हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर जीरो आ जाएगा, क्योंकि गिवन था ये, इनको मैंने यूटिलाइज कर लिया तो इन दोनों के क्रॉस जीरो हो गए, मतलब लॉजिक यूज किया मैंने, किसी दो वेक्टर का क्रॉस अगर जीरो हो जाएगा तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट, और हाँ दो वेक्टर का डॉट अगर जीरो है, दो वेक्टर का डॉट जीरो है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ए परपेंडिकुलर बी और बी परपेंडिकुलर ओ, तब जब डॉट की बात करेंगे, जब क्रॉस की बात करेंगे तो पैरेलल होगा, डॉट की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कशन किस पे करा था, डॉट और क्रॉस के बोर्ड वाले में, और जब इसमें करते हैं इसी तरह से। अब मैंने क्या कहा था, मैंने एप्लीकेशन मोड में ही लेके चलता हूं वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आए हुए, इसमें आपसे वन मार्कर भी पूछे जा सकते हैं, टू मार्कर भी जा सकते हैं, ठीक है ना,
और आपके फोर मार्कर भी होंगे, सिक्स मार्कर भी होंगे, जैसे कल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था सिक्स मार्कर वाला। हाँ, जैसे वन मार्कर में भी आ सकता है, यस बिल्कुल आ सकता है। जैसे मैंने कहा डॉट और क्रॉस, जैसे कह रहा ये और भी दो वेक्टर है, मान लीजिए देखो वन मार्कर क्वेश्चन, कह रहा ये और भी दो वेक्टर है, कह रहा दोनों के डॉट का मॉड, ठीक दोनों के डॉट का मॉड दोनों के क्रॉस के मॉड के इक्वल है, दोनों के क्रॉस का मॉड के इक्वल है, दोनों का डॉट दोनों के क्रॉस के मॉड के इक्वल है, तो कह रहा दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो ठीक है मॉड ए डॉट बी का निकाल लेते हैं, क्या आएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप का जो मॉडुलस है वो कितना हो गया, वो तो पहले से वन के इक्वल हो गया है, ए बी कैंसिल आउट कर लिया, शिफ्ट किया टेन थीटा कितना आ गया वन, थीटा आ गया 45 डिग्री ओ आर और पाई बाय 4, तो थीटा आ जाएगा 68 डिग्री एट दिस वन, क्लियर। तो ये मैंने वन मार्कर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आपसे, मैंने तो इस तरह से वन मार्कर भी दिया जाएगा। फिर हाफ ऑफ द एंगल की भी बात कर रहा था, जैसे ए और बी और ए माइनस बी साइन थीटा बाय 2 या कॉस थीटा बाय 2, तो वो ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक में आपसे जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताई थी क्लास 11th में, दो तीन ट्रिक है, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए तो यूज करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए तो यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दोनों ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हाफ ऑफ द एंगल साइन और कॉस का है तो समझ जाएंगे मुझे ये एप्लीकेशन मोड में लेके जाना है। इन दोनों का बड़ा बहुत ज्यादा यूज है आपके, जब मैं आपसे डिस्कशन लेवल पे करूंगा हाफ ऑफ द एंगल में, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन लेता हूं 2010 का, उसने इसी हाफ ऑफ द एंगल पे पूछ लिया था, हाफ ऑफ द एंगल पे पूछा, उसने बोला दो यूनिट वेक्टर है ए और बी, ठीक दे आर यूनिट वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है थीटा, ए और बी है इनके बीच का एंगल है थीटा, तो कर शो दैट साइन थीटा बाय 2, ऐसे साइन थीटा बाय 2 हाफ मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देखो मॉड आया तो हम सीधे मॉड को ही पकड़ते हैं, मैंने आपको कई बार बताया मॉड को ही रिलीज करना होता है, अब मुझे मॉड हटाना है क्या करें, स्क्वायर कर देते हैं, मतलब क्या हुआ ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करते हैं ए डॉट ए तो मॉड ए का स्क्वायर, ए का बी से किया मॉड बी डॉट ए हो गया, माइनस का किया माइनस बी डॉट ए हो गया, ए को ए से किया ए को बी की बी को ए से फिर बी को बी से तो प्लस, यूनिट वेक्टर तो ये वन हो गया ये भी वन हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस टू टाइम ए डॉट बी हो गया, क्यों हो गया बी डॉट ए, क्योंकि ए डॉट बी बी डॉट ए सेम होता है डॉट प्रोडक्ट, वन प्लस वन टू हो गया तो टू कॉमन ले लिया, तो टू कॉमन लिया तो ये क्या आया वन माइनस ए डॉट बी, और ए डॉट बी आपको पता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये वन है ये वन है तो क्या हो गया वन माइनस कॉस थीटा हो गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू वन है, और यहाँ क्या यहाँ आपका मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है, और ये आ गया आपका वन माइनस कॉस थीटा जिसकी मैं बात कर रहा था, वन माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू टू हो गया फोर, फोर को नीचे ले आया वन बाई फोर, ठीक इसको यहां से हटा लेते हैं, ये हो गया दिस वन और स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा फोर का हाफ हो जाएगा, तो हाफ मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन थीटा बाई टू, आया रिजल्ट। तो इस तरह से हाफ ऑफ मॉड ए माइनस बी आपने इजीली कैलकुलेट करा।
इस तरह से, क्योंकि आपको से बोला था ए और बी दो वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर, उनके बीच का एंगल है थीटा, शो दैट दिस वन मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड, ये कुछ नहीं है, ठीक है, हाफ ऑफ मॉड ए माइनस बी इक्वल टू दिस वन। तो मॉड ए माइनस बी का मैंने स्क्वायर किया, कहीं भी मॉड आ जाए प्रूफ करने के लिए ट्रिक बता रखी है, फर्स्ट उसका स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि मॉड ए का स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए, बड़ा हेल्पफुल रिजल्ट है ये, बहुत आगे हेल्प करेगा ये आपको। तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हुआ, ए माइनस बी डॉट, ये डॉट है बीच में ऐसे, ठीक है ना, इन दोनों का डॉट किया तो ये आया, इनको ऐड कर लिया, ये वन और वन मिलकर टू हो गए, टू कॉमन ले लिया, ए डॉट बी को फिर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख दिया, ये फिर से वन वन है, वन इंटू कॉस थीटा ये आ गया, और वन माइनस कॉस थीटा की जगह टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू इंटू फोर को नीचे शिफ्ट कर लिया और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा हाफ मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन थीटा बाय टू। ये मैंने क्या कर दिया, ये डॉट और क्रॉस के जो हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन लेवल था उसको कर रहे थे हम लोग। आई होप सो यहाँ तक सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, डॉट और क्रॉस के कि हम लोग बोर्ड में, ठीक है ना, बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। क्लियर, तो बोर्ड के जो क्वेश्चन है ध्यान से स्टेप बाय स्टेप लिखने होते हैं, वो आपके फोर मार्कर हैं, वो आपके सिक्स मार्कर भी होते हैं, तो उनको उसी के हिसाब से स्टेप के अकॉर्डिंग हमें उसको एक्सपेंड करके लिखना होता है, क्योंकि बोर्ड में आपके स्टेप मार्किंग होती है। ठीक,